अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक 140 नंबर का जीएस का और दूसरा 60 मार्क्स का, 60 नंबर का आपका हिंदी का प्रश्न पत्र। टोटल जो ये परीक्षा हो गई वो कितने की हो गई, 200 नंबर की टोटल, क्योंकि 140 और प्लस 60। जो जीएस का सिलेबस है उसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पर जो फोकस्ड एरिया होता है वो भारत के बारे में आपसे पूछा जाता है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि भूगोल का ये पूरा सिलेबस, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर का ये सिलेबस, और सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारियां, यानी कि यूपी स्पेशल, ये सिलेबस है जो पूछा जाता है। ये जीएस का सिलेबस है। लिखने को तो इसको इतना लिख दिया गया, लेकिन अगर इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये सिलेबस थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आएगा। कैसे, इन्होंने लिख दिया सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान को अगर आप तोड़ेंगे तो सामान्य विज्ञान आपका जो है ये इतना छोटा नहीं है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, भले ही जीएस के लिए ही पढ़नी है लेकिन पढ़ना तो है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, और इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा आपको बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है, सामान्य विज्ञान इन्होंने लिख दिया लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अलग अलग तीनों सेगमेंट से पूछे जाएंगे। जीएस के जो प्रश्नों की संख्या है वो 140 है, और इसमें साइंस के जो प्रश्न होंगे वो लगभग 15 होंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी वाला पोर्शन, यहाँ बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। पढ़ने के लिए इसको आपको क्या करना चाहिए, लूसेंट जो सामान्य विज्ञान की आती है जनरल साइंस की, वो आप पढ़ सकते हैं, या आप वाणी पढ़ सकते हैं, वाणी पब्लिकेशन की जो बुक आती है। आगे अगर हम बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में हमको ऐसे ही क्या करना है, तो भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास भी जो लिखा हुआ है उसका सिलेबस भी इतना छोटा नहीं है। भारत का इतिहास इन्होंने लिखा तो भारत के इतिहास में, एक तो आप इसको तीन भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक भारत है, इसमें तीन भागों में बांटेंगे, और फिर अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी दिया हुआ है, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात है उसको भी आपको करना है। इसको पढ़ने के लिए भी अगर आपके पास पुरानी यूनिक है तो वहां से आप इसको कर सकते हैं, पुरानी वाली जो यूनिक आती थी, या इसको कवर करने के लिए आप बहुत सारी किताबें हैं उस पर जा सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या और सीखेंगे क्या इस पर डिपेंड करेगा। आप जा सकते हैं जो पांडे जी की किताबें आती हैं, है ना, उस पर आप जा सकते हैं, या आप स्पेक्ट्रम पे भी जा सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत ही पढ़ने में उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे अच्छा इसका जो साधन है वो यूनिक है, और अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो एक और आपके पास है जो बेजोड़ है, वो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, तो इसमें यूनिक या किरण पब्लिकेशन की बुक आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई। अगली यूनिट हम उठाते हैं, अगली यूनिट की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, एक ही में लिख दिया गया है, लेकिन अब इसमें देखिए सिलेबस क्या है। अगर राजव्यवस्था की बात करें तो राजव्यवस्था यानी कि भारत का संविधान और राजव्यवस्था पूछी जाती है आपसे, इसमें भी यूनिक जो है पुरानी वो तो ठीक है ही है, आप वाणी पढ़ सकते हैं, वाणी की किताब आप पढ़ सकते हैं, वाणी की किताब ठीक है ये, और पुराने प्रश्न पत्र तो आपके सारे जितने भी पोर्शन हैं उसके देखने ही हैं, पुराने प्रश्न पत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। अगला जो इसमें सेक्शन है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी की जो पोजीशन है उसमें ज्यादातर इकोनॉमी करंट अफेयर बेस्ड पूछी जाती है, इसमें बहुत कुछ ट्रेडिशनल नहीं पूछा जाता है, तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन आप देखिए, और साथ में आप करंट अफेयर में जो आंकड़े होते हैं
जो डेटाज होते हैं उनको तैयार करिए। कोई किताब बहुत पढ़ने की कोशिश इसमें मत करिए। बाकी वाड़ी की ये भी आती है, आप उसको कर सकते हैं। आप इसके लिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है आपको, तो ईश्वर धींगरा की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। ईश्वर धींगरा की बुक में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लाल की बुक आती है एस एन लाल की, उसको पढ़ सकते हैं। दोनों नहीं पढ़नी है, कोई एक बुक चूज करना है। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जहां तक भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार की बात है, तो उसमें सबसे जो चैलेंजिंग चीज है वो है कि आपसे करेंट से रिलेट करके क्रॉप्स पूछ लिया जाता है, आपसे कुछ प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, आपसे कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पूछ ली जाती हैं। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड ये स्कीम्स हैं, ये सारी कवर हो जाती हैं करंट अफेयर में। करना क्या है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं, और बहुत अगर आपका मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको लिस्ट निकालनी है जो अभी हाई यील्ड क्रॉप्स की कोई वैरायटी है ना, हाई यील्ड वैरायटी जो डेवलप की गई है या कोई योजना सरकार ने चलाई है, तो उसकी लिस्ट आपको निकाल के पढ़ लेनी है। मोटी किताब पे यहाँ पे नहीं जाना है। जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, कोई भी आंकड़ा उठाइए 2011 का और उससे पढ़ डालिए, बहुत कुछ इसमें नहीं है। इसके लिए जो वाड़ी की पतली वाली किताब है जनसंख्या नगरीकरण की, तो जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पुराने प्रश्नों को देखकर भी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, काफी बड़ा पोर्शन यहां से जो प्रश्न आएंगे एग्रीकल्चर से, तो दो चार प्रश्न यहाँ पे नगरीकरण से, पांच के एवरेज में प्रश्न आप रख सकते हैं। हिस्ट्री में जो प्रश्न आएंगे, इतिहास में प्रश्नों की संख्या 20 के आसपास आप रख सकते हैं। पॉलिटी में जो प्रश्न आपके आएंगे, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ठीक ही एग्रीकल्चर में हमने बात कर ही ली। जनसंख्या पर्यावरण और नगरीकरण में, अगर इस पोर्शन में आप देखिए, पर्यावरण जो यहाँ पे किया जा रहा है, पर्यावरण के लिए आपको पुराने क्वेश्चन देख लेंगे वही बहुत होंगे, और इस पोर्शन से 5-7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्या करते हैं, नगरीकरण और जनसंख्या के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड हो जाते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ आंकड़े पॉइंट में भी तैयार करने पड़ते हैं, जैसे नगरीकरण के आंकड़े, जैसे आपकी जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े, ये सब तैयार करने पड़ते हैं। अगला जो है, विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत का भूगोल जो है, ये कम से कम 25 क्वेश्चन का आपका ये टॉपिक है, यानी कि भूगोल का जो वेटेज है इसमें, भूगोल 25 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछा जा सकता है। कई बार के प्रश्न पत्रों में 40 क्वेश्चन भी क्रॉस हो गया है, पर्यावरण इसमें जोड़ दें तो 40-45 प्रश्न भी। 2014 के पेपर में आपको 50 प्रश्न इसमें मिल गए थे, ऐसा अभी हुआ था। लेकिन 25 तो आप मान ही सकते हैं, इसको कहाँ से पढ़ें? इसको पढ़ने के लिए आपके पास एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी कंसेप्ट के लिए ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो दूसरा आपके पास है, सबसे अच्छी किताब है महेश बर्णवाल की। महेश बर्णवाल अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपका सबसे ये विशेषता क्या है इस किताब की, कि इसमें दोनों पोर्शन, विश्व और भारत का भूगोल, एक साथ में ही उसमें तैयार हो जाता है। मतलब भर की मोटी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और ओल्ड ईयर क्वेश्चन आप देखिए, मैपिंग के साथ में मैप जरूर इसमें शामिल करिए। अगर इसको नहीं देखेंगे आप, तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो वो समस्या आपकी बनी रहेगी। ये तो हो गया आपका भूगोल का पोर्शन। करेंट अफेयर से यहां आप उम्मीद करिए कम से कम 20 से ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, 25 प्रश्न आप मान सकते हैं। और करेंट अफेयर का जो अप्रोच होना चाहिए, करेंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि करेंट अफेयर में आप डेली तैयार करिए। करेंट अफेयर आप क्या करिए, करेंट अफेयर के लिए आप डेली तैयारी करिए। आप लोग क्या करते हैं, कई बार जब बिल्कुल पेपर आपका आता है तब आप पढ़ते हैं। अगर आप डेली पढ़ते हैं, तो लास्ट में कोई भी एक मैगजीन लेते हैं और उससे आप रिवाइज करते हैं, तो आपका सब तैयार हो जाता है आंकड़ा। और अगर आप एक साथ इसको पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है और आपके क्वेश्चन गलत ज्यादा हो जाते हैं। तो डेली आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए साथ में, जैसे हमारे भी प्रोग्राम है 5 मिनट करंट अफेयर डेली 30, तो
तो इसमें आप डेली 8-10 प्रश्न जो बनते हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी रोज की रोज होती रहे। अगला जो पोर्शन है इसमें, वो पोर्शन है आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो ये जो सामान्य बौद्धिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी, तो सामान्य बौद्धिक क्षमता में जो क्वेश्चन आते हैं वास्तव में वो सामान्य ही होते हैं। और सामान्य बौद्धिक क्षमता में ये जो प्रश्न आते हैं, लगभग 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग और मैथ्स बेसिक जो पूछी जाती है वो बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस जो सीसैट में पूछे जाते हैं उनको, और जो आरओ के पेपर में अभी तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आता है वो तो बड़ी आसानी से कर लेता है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करता है। लेकिन डरना नहीं है, यहां पर आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो प्रैक्टिस आपकी होगी, ये प्रैक्टिस आपको 70 से 80%, 70 to 80% क्वेश्चन करने में मदद करेगी। आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो डरना नहीं है, जिनको आ रहा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो बस पुराने क्वेश्चंस को देख के और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगला एक पोर्शन है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में यूपी स्पेशल के जो प्रश्न हैं वो पूछे नहीं जा रहे हैं। लोगों की बड़ी समस्या है, बड़ी शिकायत है कि यूपी स्पेशल से जब प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं तो हम लोग इसकी तैयारी क्यों क्या करें। तो यूपी स्पेशल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी स्पेशल पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और यूपी स्पेशल पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे आसान काम मैं बता रहा हूं, वाणी की दो किताबें आती हैं, एक मोटी और एक पतली, तो इनमें से पतली वाली किताब आपको चूज करनी है। अभी तक के जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना है, और ये पतली वाली किताब एक बार पढ़ डालनी है। इतनी पतली भी नहीं है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, और सबके पुराने प्रश्न पत्र देखते रहने हैं। आप कहेंगे कि इतना तो सबका पुराना देखते रहना है, ये तो साल भर पढ़ने का हो गया पूरा। सिस्टमैटिक तरीके से आप करेंगे, और हर सब्जेक्ट में कोर पोर्शन है उसको छांटेंगे आप, तो आपका काम ये आसान हो जाएगा। ये तो हो गया जीएस का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का, और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस के साथ में हमने बुक लिस्ट भी डिस्कस कर ली कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, वो बुक लिस्ट आपकी तैयार हो गई। अब आइए चलते हैं जो जीएस के सिलेबस के बाद में हिंदी का सिलेबस है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी का सिलेबस देखेंगे इसी में कि इसमें क्या दिया हुआ है, और यहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हिंदी में जो आयोग सिलेबस दे रहा है उसमें देखिए कितने टॉपिक हैं। हिंदी के सिलेबस में कुल 6 टॉपिक हैं, और ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपके स्पष्ट बिल्कुल लिखे हुए हैं। 6 टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरीके से ये 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, और इस तरीके से ये 60 मार्क्स भी होंगे। बात समझ में आई? विलोम जो है पहला टॉपिक है, 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का, 10 मार्क्स का। वाक्यों वर्तनी शुद्धि, 10 प्रश्न एक नंबर का, 10 मार्क्स का। अनेक शब्दों के एक शब्द में भी यही है, और इस तरीके से प्रत्येक पोर्शन की इक्वल वैल्यू है, और ये 60 नंबर का पूरा पेपर है। यही 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। करना क्या है, इनमें से भी मैं आपको बता रहा हूं कि 40 to 50% क्वेश्चन आपको पुराने मिल जाते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन आपको पुराने मिल जाते हैं इसमें 40 to 50%। बाकी जो करना है यानी कि आधा आधा इसमें चैलेंज है, पेपर आधा आपके लिए चैलेंज है। आधा पेपर चैलेंज क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं। इसमें आपको मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस, और ये जो न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे ये थोड़े से टफ होंगे। इसको आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वे लोग सतर्क हो जाए जिनको लगता है बचपन से हिंदी सबसे अच्छी उनको आती है। यहां पर जब आप इस लिहाज से जाते हैं कि हमको पूर्वा ज्ञान है, पूर्व अनुमान के आधार पर हम टिक करेंगे, तो यहाँ आपकी परफॉर्मेंस फिर 60 में 30 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाती है। और थोड़ा सा भी जो पढ़ के जाता है
तो यहां पर उसकी परफॉर्मेंस 55 क्वेश्चन भी हो जाती है, 55 के आसपास या उससे प्लस भी व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहां प्रैक्टिस करके जाना है और थोड़ा सा एथेंटिक सामग्री पढ़ के जानी है। एथेंटिक सामग्री का मतलब यह है कि ऐसी सामग्री जहां से प्रश्न बनते हैं, कुछ किताबें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। अब इसके लिए सबसे अच्छी जो किताब है वो पीएन पांडे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दिया हुआ है। वासुदेव नंदन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कम दिया हुआ है। सारे टॉपिक अगर आपको उसमें नहीं मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है, और जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं उन टॉपिक्स में मटेरियल भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, कम मिल सकता है, लेकिन ज्यादा एथेंटिक है, प्रश्न यहां से उठाए जाते हैं और बाकी सामग्री। लेकिन आप कितना पढ़ेंगे, दूसरी चीज है कि आप प्रैक्टिस करिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके पास हैं उन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए और आप टेस्ट सीरीज इसमें करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, तो ये काम आपका हो जाएगा। पीएन पांडे बुक की खासियत ये है कि इनके पास भंडार बहुत है, बहुत ज्यादा भंडार है।